हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ड्रीम राइड्स। मैं हूं लपरीत। तो आज जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो न्यू बुलेट में मेक इट यूज़ के थ्रू जो यूसी बुलेट वाली सीट और टेल लाइट मिली है, मैं एक रोड प्रेजेंस वीडियो बनाऊंगा जिस पे बैठ के चेक करेंगे कि क्या वैसी ही फील आ रही, मतलब सीट उतनी हार्ड है, वो सारा हम टेस्ट करने वाले हैं आज। तो पहले मैं जो मेरे पास एक यूसी बुलेट है, मैं उस पर राइड करके देखूंगा कि भाई इसकी सीट पे बैठ के कैसी फील आ रही है। फिर उसके बाद मैं जो नया बुलेट है कस्टमाइज वाला, उसकी टेस्ट जो राइड लेके चेक करूंगा कि उसमें फील कैसी आ रही है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी इस बुलेट में बैठा हूँ, तो काफ़ी हार्ड है सीट, और बैठ के अभी स्टार्ट करते हैं बाइक को। तो अभी हम इसको राइड करके देखेंगे कैसी फील आ रही है। अभी हम रोड पे जाने वाले, तो चला के देखेंगे इसको कि कैसी फील आती है। फिर इसके बाद हम जो नया बुलेट है उसकी भी राइड करके देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो कि भी मैं अभी जैसे राइड कर रहा हूँ बुलेट पे, तो यूसी बुलेट है ये, और इसकी सीट काफ़ी हार्ड है दोस्तों। जैसे राइड कर रहा हूँ अभी प्लेन रोड है, तो वो हार्डनेस महसूस कर सकते हैं। आप सबने बुलेट चलाई होगी एक बार, तो वो बिल्कुल हार्ड सीट है और बैठने में इतना कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि पैरों में वाइब्रेशन भी है थोड़ी सी। तो बुलेट में पहले कंफर्टेबल तो होते ही नहीं थे, सबको पता है सीट जैसी है, पर वो विंटेज लुक जो है उसी पे सब फिराएँ। तो अभी हम बैठ के जैसे चला रहे हैं तो मज़ा तो आ रहा है बुलेट चलाने में। अभी इसके बाद मैं जब नेक्स्ट बुलेट की जो न्यू बुलेट है उसमें अब विंटेज सीट जो आई है उसके साथ टेस्ट राइड लेके देखेंगे, तो उस पर भी आपको बताऊंगा कैसे फील। अभी तो बहुत, जैसे कि भी दूर जाऊंगा, ज़्यादा लंबी राइड करूंगा तो इस सीट पर भी थक जाऊँगा, तो वैसी फीलिंग आ रही है, तो वो भी देखेंगे। उस बुलेट में भी सेम हार्ड, इतनी हार्ड सीट है क्या, उसमें भी लगेगा कि भी थोड़ा ज़्यादा दूर जाने पर भी थकावट सी महसूस होगी, तो वो हार्ड सीट वाला टेस्ट उसमें भी चेक करूँगा। दोस्तों, अभी हम जैसे थे कि पुराना यूसी बुलेट चेक कर चुके हैं, उसके सीट में टेस्टेड लेके चेक कर चुके हैं, तो अब हम जो है न्यू बुलेट की जो कस्टमाइज सीट आई है सेम यूसी वाली, उस पर चेक करने वाले हैं क्या वो भी इतनी हार्ड है, क्या उसमें भी जैसे स्लिप होने की फीलिंग आती है कि स्लिप कर जाएंगे, क्या वो सब आ रहा है कि नहीं, वो अब वो भी चेक करेंगे हम। न्यू कस्टमाइज बुलेट उसको हम चेक करेंगे। बैठने में तो वो भी फील आ रही है हार्ड हार्ड, जो अभी मैंने दूसरे बुलेट में टेस्ट किए, तो इसमें मीटर भी डिजिटल है। चलो रास्ते में देखें कैसी प्रेजेंस है, और चलो भाई बैठो। सीट तो हार्ड है पर उससे थोड़ी सी सॉफ्ट लगी मुझे, पर फीलिंग वैसी ही आ रही है, कोई मुझे डिफरेंस नहीं लगा। वो उसमें थोड़ी पैरों में वाइब्रेशन थोड़ी ज़रूर महसूस हो रही थी, इसमें हमें वाइब्रेशन बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है, और बड़ा स्मूथ चल रहा है बुलेट। तो जैसे कि बता रहा हूँ कि मैं, बड़ा स्मूथ चल रहा है बुलेट, मतलब जो पहले मैंने बुलेट चलाया उसमें वाइब्रेशन भी काफ़ी थी, इतनी स्मूथनेस नहीं थी। और इसकी सीट में, इसकी सीट भी बहुत हार्ड है, पर विंटेज लुक है, विंटेज सीट भी विंटेज हार्ड है, पर इसमें थोड़ी सी कुशनिंग बेटर लग रही है, स्लिपरी नहीं है सीट। जैसे पहले बुलेट में स्लिपरी होती है, वैसे स्लिप नहीं कर रहा हूँ, तो कुशनिंग अच्छी है। जैसे बैठने में हार्ड, इतनी भी ज़्यादा हार्ड नहीं है कि भी आपको बैठने से थकावट होगी। इसमें मैं लॉन्ग ट्रैवल थोड़ा कर सकता हूँ, अच्छा ट्रैवल कर सकता हूँ, और लुक बिल्कुल सेम है सीट में, कोई डिफरेंस नहीं है। पर बैठ के जब इसको चला रहा हूँ तो उससे कम हार्ड है, और कुशनिंग अच्छी है, उस बाइक से कुशनिंग बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ एक फ़ायदा है, लुक हमें सेम मिल रही है पर कुशनिंग अच्छी मिल रही है, तो हम इस पर लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं, और वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, बड़ा स्मूथ चल रहा है। तो उस बाइक में ज़्यादा वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही थी और थोड़ा हार्ड सा चल रहा था बाइक, पर ये बहुत स्मूथ चल रहा है बुलेट। जो रेगुलर सीट थी उससे हार्ड है, उतनी सॉफ्ट नहीं है। रेगुलर सीट वाली तो कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पर इस सीट में कुशनिंग है अच्छी है, पहले वाले यूसी बुलेट की सीट से अच्छी है, तो ट्रैवल अच्छा लंबा लॉन्ग कर सकते हैं हम। तो बुलेट फैन के लिए ये भी अच्छा है कि सीट सेम विंटेज लुक में मिल रही है, और हमें कुशनिंग भी बेटर मिल रही है पहले से, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी मुझे ये चीज़ बैठ के अब जैसे चला रहा हूँ। तो पिलियन टेस्ट भी कर रहा हूँ, तो पिलियन टेस्ट में भी मैं आपको बताऊँगा कि भी कैसा इसमें स्लिपरी है कि नहीं, वो मैं आपको जब मैं बाइक ले जाऊँगा तो वहाँ पर चेक करके आपको बाद में बताता हूँ कि पिलियन में कैसा लगा इसमें फील। तो अभी तो अच्छा फील हो रहा है, अभी मतलब स्लिपरिंग भी नहीं है। तो अभी हम बाइक की टेस्ट राइड ली है, और आपको एक चीज़ का डिफरेंस थोड़ा सा ज़रूर देखने को मिलेगा, सीट बिल्कुल सेम टू सेम है, सीट में कोई डिफरेंस नहीं है, पर
जो इसकी सीट बहुत ज़्यादा हार्ड है और बाइक में वाइब्रेशन ज़्यादा थी तो बंदा ना स्लिप कर रहा था। मैं जैसे मैंने पिलियन में बैठ के देखा तो मैं भी स्लिप कर रहा था, पर इसकी जो कुशनिंग है, कुशनिंग जो पुराने यूसी बुलेट्स से कुशनिंग जो होती है ना वो स्मूथ है, मतलब थोड़ा उससे बेस्ट है बैठने के लिए। इस पर जल्दी मतलब थकावट नहीं होगी, उस पर बहुत जल्दी थकावट हो जाती थी और स्लिप भी नहीं करोगे। ग्रिप अच्छी है सीट की, जब बैठेंगे ना ग्रिप भी अच्छी है, सीट कवर का जो तो सीट कवर का कुछ फ़र्क है तो उसके कारण बैठने में ये ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और सीट बिल्कुल सेम है, लुक तो सेम लगी रही है, मेन लुक सेम है, पर बैठने में जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगी तो मुझे वो नई बुलेट मेक इट जो उसकी थोड़ी कंफर्टेबल लगी ज़्यादा सीट। और लाइट का आप देख ही रहे हो, और आप कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपका कोई सजेशन है कि कुछ आप चाहते हो कुछ इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करो, मैं उसकी भी वीडियो ला दूँगा। तो होप है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।